दोस्तों किसी भी महिला के शरीर में होने वाले जो हार्मोन्स हैं, जब वो असंतुलित होने लगते हैं तो उसके शरीर में उनकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला जो असर होता है वो उसकी मेंटल स्टेट पर होता है, उसका जो मानसिक तनाव है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि न जाने किस कारण की वजह से आज उसके पीरियड्स नहीं आए हैं या इस महीने उसके पीरियड्स स्किप हो गए हैं, उसे समझ ही नहीं आता। और इस मानसिक तनाव की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो सब कुछ एकदम कम हो जाती है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नेचुरल DIY ड्रिंक के बारे में। इस नेचुरल DIY ड्रिंक को मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में मैंने इससे पहले भी कवर किया है, लेकिन जितने नए लोग इस चैनल के साथ जुड़ते जाते हैं, वीडियोस पुराने होते जाते हैं और उन तक वो जानकारी नहीं पहुंचती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रिंक के बारे में जिसे आप सिर्फ एक दिन से लेकर 3 दिन तक लगातार पी लीजिए, आपके रुके हुए जो पीरियड्स हैं वो बहुत आसानी से आ जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको 3-4 दिन लेने के बाद भी फायदा नहीं हो तो मेक श्योर कि एक बार जरूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ ऐसा चल रहा हो जो इस ड्रिंक की वजह से रिपेयर ना हो पाए, ठीक ना हो पाए। क्योंकि अपने शरीर की किसी भी ऐसे सिम्टम के लिए देरी करना, हो सकता है कि आप किसी बीमारी की गिरफ्त में आ जाएं। सो मेक श्योर 3 से 4 दिन लेके देखिए, आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो उस 1% चांस के अंदर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएंगे। सो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बट वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग लेंगे एक पॉजिटिव फीडबैक जो कि आता है हमारे ही इस सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर की तरफ से, जिन्होंने हमारे बताए हुए किसी प्रोडक्ट को ट्राई किया हुआ होता है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आज का जो ये फीडबैक है दोस्तों, ये मुझे मिला है K.Agrawal 788 की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि मैंने सिर्फ ग्लूटाथियॉन और मल्टीविटामिन लिया अमेजोन से, 1 वीक हुआ है खाते हुए, टैबलेट एक खाती हूँ डेली, मुझे पिगमेंटेशन में फर्क लग रहा है। तो यहां पर जो कि अग्रवाल जी हैं वो ये बात कर रही हैं कि जो ग्लूटाथियॉन टैबलेट है वेलनेस बीट कंपनी का और ब्यूटी विटामिन कैप्सूल है वेलनेस बीट ब्रांड का, जो कि मैंने जो बताया है डोज वो 1 सुबह 1 शाम की है, लेकिन ये उसमें से भी अभी एक एक ही ले रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। यही खूबसूरती है दोस्तों नेचुरल प्रोडक्ट्स की या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, ये प्रोडक्ट्स आपको कम डोज के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कम डोज के साथ ही कंटिन्यू करें, हमेशा जो डोज आपको रिकमेंड की जाती है वो आपकी एज के अकॉर्डिंग की जाती है। तो अगर आप अपनी स्किन के पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं तो ब्यूटी विटामिन कैप्सूल को जरूर लीजिए, 1 सुबह 1 शाम आप खाइए, खाना खाने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप अपनी स्किन को ओवरऑल ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, फेयरनेस देना चाहते हैं, तो आप वेलनेस बीट का ग्लूटाथियॉन कैप्सूल यूज कीजिए, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। दोस्तों ये सारे के सारे फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट जो आप साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरे 22 सालों के अनुभव का एक निचोड़ आप कह सकते हैं। पिछले 22 सालों के अंदर जो मैंने स्किन केयर इंडस्ट्री में सीखा, हेयर केयर इंडस्ट्री में सीखा, वो मैंने इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप सबके सामने रखने की कोशिश की है। सो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेक श्योर आप जरूर ट्राई कीजिएगा करके, और कोई भी बेहतरीन प्रोडक्ट जो आपको लगे उसे अपने रूटीन में शामिल करने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब लौटते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे एक DIY ड्रिंक के बारे में। इस ड्रिंक को हमेशा रात को सोते समय ही लेना है, सुबह या दिन में नहीं लेना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि आपने कंसीव कर लिया है, आपका प्रेगर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो आप इसे नहीं लोगे क्योंकि ये मिसकैरेज कर सकता है। तो मेरा आपको बताने का रीज़न ये है कि आप उस बच्चे को जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, उससे पहले अगर आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये ध्यान आपको तब देना था जब आप इंटरकोर्स सेशन के अंदर थे। इसे बनाना कैसे है, तो 1 ग्लास आपको पानी लेना है। इस 1 ग्लास पानी के अंदर आपको 1 इंच जो है वो अदरक को बहुत अच्छे से कूट लेना है और उस अदरक को आपको इस पानी के अंदर डाल देना है। बहुत अच्छे से उबालिए जब तक कि अदरक का रंग जो है हल्का सा पीलापन जो है वो आपके पानी में आना शुरू नहीं हो जाता। जब आपके इस पानी के अंदर हल्का सा पीलापन आना शुरू हो जाए, अब आप इसके अंदर दूसरा चीज़ ऐड करोगे और वो है हल्दी।
हल्दी जो है वो मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन होता है कि अगर कच्ची हल्दी मिल जाए, जो कि सर्दियों में जनरली मिल जाती है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, लगभग एक मीडियम साइज़ का टुकड़ा, लगभग 1.5 से 2 इंच का। अगर आपको वो हल्दी नहीं मिल रही है तो आप घर में जो हम टर्मेरिक पाउडर यूज़ करते हैं वो आप इस्तेमाल कर लीजिए, लगभग 1/2 चम्मच। अच्छे से इसे फिर से थोड़ा सा बॉईल होने दीजिए, बढ़िया से इसका रंग भी आने दीजिए। अब इसके अंदर आपको तीसरी जो चीज़ मिलानी है वो है दाना मेथी। दाना मेथी जो है वो भी आपको लगभग यहाँ पे 1 चम्मच लेनी है, और ये 1 चम्मच दाना मेथी आपके शरीर में जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कम हो गया है, जिसकी वजह से आपका साइकिल डिस्टर्ब हो गया था, उसे वापस से बेहतर करने में आपकी मदद करेगा। और चौथा इंग्रेडिएंट, जो लास्ट इंग्रेडिएंट है, वो है 1 चम्मच सौंफ, उसे आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपको इसे तब तक उबालना है जब तक कि ये आधा नहीं रह जाता। जब आपको लगे कि ये पानी अब आधा रह गया है तो अब आप इस गैस को बंद कर लेंगे। इसे ठंडा होना नहीं देना है आपको, गर्म गर्म ही आपको इसे पीना है, लेकिन छान लीजिए। छानने के बाद इसे जितना कंफर्टेबली आप इसे पी पा रहे हैं, जितने टेम्परेचर के साथ पी पा रहे हैं, उतना पीजिए, और आप देखेंगे अगले दिन ही आपके पीरियड्स आ गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दिन आपने लिया आपको पीरियड्स नहीं आए, आप दूसरे दिन लेंगे, दूसरे दिन लेने के बाद भी नहीं आते हैं, तो मैक्सिमम आप उसको तीसरे दिन लेंगे। तीसरे दिन के बाद ये आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ऐसे सिचुएशन में मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था, आपको जाकर के गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। तो वो सभी हमारी बहनें, माताएं, भाभियाँ, वो लोग जो कि पीरियड्स के ऊपर नीचे होने की वजह से डिस्टर्ब है, मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इवन अगर आपको लग रहा है कि पीरियड्स की डेट तो ठीक आ रही है लेकिन खुल करके नहीं आ रहा, जितना ढंग से आपका ब्लीडिंग होना चाहिए उतने ढंग से नहीं हो रहा, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदे देगा। तो डेट अगर आगे पीछे हो रही है, तो आपका फ्लो खुल करके नहीं आ रहा है, तो या फिर आपका फ्लो बहुत तेज आ रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि अब वीकनेस आने वाली है, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अंदर का जो फॉर्मुलेशन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपको लॉन्ग लास्टिंग बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाला है। सो मेक श्योर इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि वो आने वाली ऑडियंस जो कि इस चैनल पर नई है, वो आपके फीडबैक्स का बेनिफिट उठा करके इन DIYs को अपने रूटीन में शामिल कर सकें और बेहतर से बेहतरीन अपनी लाइफ को बना सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप चल विदा लेता, आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।